हम लोग किनारे पर खड़े होकर खुश हो जाते हैं। श्याम ने बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन इसके सब रचनाओं में से सबसे जो अंतरात्मा को झिझकोर देने वाली रचना वो ये है। इस भजन ने मुझे बहुत सुकून दिया। किनारे पर खड़ा आदमी खुश है कि वो बचा हुआ है, लेकिन यहां पर किनारे वाले की नहीं, उसकी बात कही जा रही है जो डूब रहा है और वो भी खुश है। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन जिसकी कहानी है वो क्या कहता है अब ठाकुर से कि ठाकुर आपकी कृपा हो गई जो मैं किनारे से मझधार में आ गया। कई लोगों को हालांकि समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो गारंटी है रात भर सो नहीं पाऊंगा। वो प्रेमी कहता है बाबा मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उतने पास आ गया। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उतने पास आ गया। डूब कर भाव में मैं जहां भी गया, डूब कर भाव में मैं जहां भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। मैं तेरे प्यार मैं
जग ज्योति भी अंधेरों में जो तू साथ है मेरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे। किसको किसको विश्वास है कि हम श्याम का नाम लेंगे हमारा काम नहीं अटक सकता, पूरे हाथ उठा चौपाटी सारी रात खुली रहती थी थालियां बजाने। पहली बार बॉम्बे गया था, कीर्तन करने के बाद हम लोग चौपाटी पर पहुंचे। मुझे समुद्र की लहरों से डर लगता है, ये मेरा हाथ खींच कर ले जा रहा था। रात के 11 बजे थे, 11 12 बजे थे। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं साइड में खड़ा हो गया। ये थोड़ा सा मेरे से 5-7-10 फुट अंदर जा रहा था, अचानक ये झुका, मुझे लगा गिर गया। मैंने चिल्लाया क्या हुआ, बोला नहीं कुछ टकराया है। और झुककर जब बालू खोदी, पता है क्या निकला, हनुमान जी की मूर्ति निकली उसमें से। माथे से लगाया, उस हनुमान जी को समुद्री हनुमान नाम दिया। आज भी उनके घर में 20 साल से उस हनुमान जी की पूजा हो रही है। मोती कर चाहिए डूब कर देख ले, मोती कर चाहिए डूब कर देख ले, ढूंढता फिर राज लहरों जी।
अरे हमने कर दिया, अरे पगले हमने नहीं किया, इसने हमारा हाथ पकड़ कर करवा दिया। तालियां बजा के ऐसे कीर्तन रोज रोज नहीं होते प्रेमी। तालियां बजा लो। पिक्चर देखी है राजाओं की, रामायण देखी, महाभारत देखी, राजा सिंहासन पर जब राजा जब आता था प्रजा दोनों तरफ सिर झुकाकर खड़ी हो जाती थी। जब राजा सिंहासन पर बैठता था और ऐसे करता था, प्रजा सुनाती थी, राजा सुनता था और सुनकर राजा फैसला करता था। अब राजा आप हो कि राजा ये है, ये राजा है ना, सुनकर राजा बनने की कोशिश मत किया करो, सुनाने की कोशिश किया करो, प्रजा बना करो, तुरंत फैसला करेगा। और विश्वास दिलाता हूं वो राजा महाराजा तो सजाए मौत भी देते थे, ये राजा जो है ना मौत की सजा को भी जीवन दान में बदल देते हैं। तालियां बजा के, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, एक बार जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा हूं, मैं तेरे सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। बोल सांचे दरबार की। श्याम भाई इस दरबार की खासियत बताऊं, सब पुराने हो रवि भैया, कहीं भी चल जाओ बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति आते हैं, सैकड़ों बार आते हैं, ठीक है, जिनके लिए आते हैं वहां पर उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाता है और वो चले भी जाते हैं, जनता को नहीं पता चलता। लेकिन मेरे श्याम प्रभु का दरबार ऐसा है, यहाँ पर कोई फकीर भी अगर 10-20 बार खाटू पहुंच जाता है ना तो भी उसको लोग जानने लग जाते हैं कि ये फलानी जगह का श्याम प्रेमी है, कीर्तन में आने लग जाता है उससे जय श्री श्याम। सुभाष जी सही बात है ना, इस श्याम दरबार की विशेषता है, 10 बार श्याम बाबा के कीर्तन में चले जाओ, चाहे आप बस से आए हो चाहे आप मर्सिडीज में आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको श्याम प्रेमी जय श्री श्याम कहीं लेंगे। यही हमारे श्याम प्रभु की विशेष खासियत है, इसीलिए कहा डूब कर भाव में मैं जहां भी गया सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। बोल सांचे दरबार है।